हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी ड्रीम इलेवन खेलते हैं या ड्रीम इलेवन खेलना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि टीम बनाने के लिए प्लेयर्स जब सेलेक्ट करते हैं तो प्लेयर सेलेक्ट करने के बाद जब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है कैप्टन और वाइस कैप्टन का, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ परसेंटेज में लिखा रहता है। तो इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि ये परसेंटेज में क्या लिखा रहता है और इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 49 रुपया का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो इसमें टोटल 40,81,632 लोग ही ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें अगर 40,81,632 लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो आप जब प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किसी भी प्लेयर को देख सकते हैं कि जैसे कि ऋषभ पंत है, और इसके नीचे में लिखा आ रहा है सिलेक्टेड बाय 88.18%। तो यहाँ पे 88.18% का मतलब ये हुआ कि 40,81,632 लोग में 88.18 लोग इसको सिलेक्ट किए हैं ऋषभ पंत को। तो 88.18 को सिर्फ 88 मानकर चलते हैं तो 40,81,632 लोग यहाँ पे हो जाएगा 88/100, तो टोटल हो जाएगा 35,91,836 लोग। यानी कि 88 पॉइंट का अगर ऋषभ पंत को 88 पॉइंट से ऊपर सिलेक्ट किया है तो 40,81,632 लोग में से 35,91,836 लोग सिर्फ ऋषभ पंत को चुने। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिखर धवन को 77.86%, शुभम गिल को 52.2%, नीतीश राणा को 30%, और यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी शाह को भी 52.31% को सिलेक्ट किया है। इन सारे प्लेयर को देखने के बाद ये पता चलता है कि जो भी टीम क्रिएट किया है उसमें से कुछ शेखर धवन को, कुछ शुभम गिल को और कुछ नीतीश राणा को उसी तरह से बाकी प्लेयरों को सिलेक्ट किया है। सभी प्लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा परसेंटेज कैप्टन और परसेंटेज वाइस कैप्टन। कैप्टन का मतलब है जितना भी अगर कोई भी प्लेयर पॉइंट देता है तो कैप्टन, अगर जिस प्लेयर को सिलेक्ट करते हो तो आपको डबल पॉइंट मिलेगा। जैसे कोई प्लेयर 100 पॉइंट दे रहा है तो आपको कैप्टन उस प्लेयर को सिलेक्ट करते हो तो 200 पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से वाइस कैप्टन, अगर कोई प्लेयर 50 पॉइंट या 100 पॉइंट दिया है, अगर वाइस कैप्टन सिलेक्ट करते हो तो आपको 75 पॉइंट, 50 के बदले 75 और 100 के बदले 150 पॉइंट मिलेगा अगर वाइस कैप्टन सेलेक्ट करते हो। वाइस कैप्टन का मतलब हुआ जितना भी आपको पॉइंट्स मिला उसका 1.5 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि ऋषभ पंत को 88% लोग सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 88% में से 5.79% कैप्टन और 5.1% वाइस कैप्टन यानी VC सेलेक्ट किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 35,91,836 में से 5.79% यानी कि 35,91,836 गुना 5.79/100 हो जाएगा। और यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 279,067 यानी कि 279,067 लोग इसको ऋषभ पंत को कैप्टन सिलेक्ट किया है। और उसी तरह से आप देख सकते हैं इसके बगल में VC, यहाँ पे आप देख सकते हैं VC 5.1% इसको VC सेलेक्ट किया है। तो 5.1% यानी कि 35,91,836 लोग में से इसको 1,83,183 लोग इसको VC सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाकी प्लेयरों को सिर्फ परसेंटेज से देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़्यादा सिलेक्ट किया है और कम सिलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।